देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के हलसी से है। लखीसराय के हलसी प्रखंड स्थित भाजपा कार्यालय में प्रखंड कार्यकर्ता समिति की बैठक बुलाई गई, जिसका नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ मनोहर ने किया। वहीं मंच संचालक राजीव कुमार रंजन के द्वारा किया गया। इस प्रखंड के मैदान में बूथ अध्यक्ष संघ 10 शक्ति केंद्र बनाया गया एवं अयोध्या से आए अक्षत प्रखंड के सभी पंचायत के गांव के डोर टू डोर जाकर निमंत्रण देंगे, ऐसी जानकारी दी गई। वहीं कहा गया कि आप लोग भी अयोध्या रामलला के भव्य मंदिर देखने का निमंत्रण दिया जा रहा है। बता दें कि वहीं मौजूद जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष गायत्री देवी, प्रखंड महिला मोर्चा अध्यक्ष पूजा भारती, युवा मोर्चा अध्यक्ष सोनू चंद्रवंशी, प्रखंड युवा अध्यक्ष मनोज कुमार, जयप्रकाश सिंह, कृष्णदेव महतो, कन्हैया लाल चौरसिया, पप्पू यादव, युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष पवन महतो, रामबरन सिंह, विनोद सिंह, खुशबू देवी, चुन्नी देवी एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीसराय जिला से सुजीत संघ केशव कुमार की रिपोर्ट। आज यहाँ प्रखंड कार्य समिति का बैठक है। इस कार्य समिति की बैठक में मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को प्रत्येक बूथ पर कमेटी का गठन करना है। उसके बाद प्रत्येक 10 शक्ति केंद्र है, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हम लोग प्रखंड के आदमी जा करके प्रवास करेंगे और प्रत्येक बूथ पर हमारे राम जन्मभूमि अयोध्या से जो अक्षत आए हैं हर घर में आमंत्रित करेंगे कि आप लोग अयोध्या चलें। इसके लिए लखीसराय को 5 ठो ट्रेन दी जा रही है। डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, डेट फिक्स होगा तो आगे इस पर फिर बैठक करके हम लोग करेंगे, लेकिन लखीसराय से 5 ट्रेन से खुलेगी। उसके लिए एक फॉर्मेट आएगा, जो जो जाएंगे उसका फॉर्मेट पर नाम भरा करके वह रेलवे को दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि फलना जिला से इतना आदमी आ रहा है। यह जो अक्षत कलश आया है इसके लिए हम लोग जितने प्रखंड के हैं और सभी बूथ के जितने भी हैं, आज जो बैठक की गई है इसका मुख्य बिंदु क्या है? आज प्रखंड कार्य समिति का बैठक हुआ। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बूथ कमेटी गठन करना है। 92 बूथ मेरा है हलसी प्रखंड में, 92 बूथों कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके बाद 10 शक्ति केंद्र मेरे प्रखंड में है, शक्ति केंद्र पर जाके प्रवास करना है और 2024 का लोकसभा चुनाव का तैयारी करना है। प्रत्येक बूथ पर जाके जनता को बताना है, मेरे प्रधानमंत्री जी का जितना भी योजना चला है उसके बारे में बताना है और संघ पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। क्या कार्य है? बूथ अध्यक्ष का कार्य है, 21 का कमेटी है जिसमें 4 उपाध्यक्ष हैं, 4 मंत्री हैं, 21 का कमेटी है और 21 कमेटी अपना बूथ पर जाके बैठक करेंगे और बैठक करके प्रधानमंत्री जी का जितना भी कार्य चला है उसको बताएंगे। वहाँ बूथ मंत्री का काम है बूथ को मजबूत करना, अपने बूथ को मजबूत करना हो गया। सब पर मंत्री का गठन हो चुका है, लगभग 45-46 को हो चुका है। 2 से 4 दिन के अंदर मेरे 92 बूथ कंप्लीट हो जाएगा हलसी प्रखंड में।